तरह से जो है वो जैसे इन्होंने बात की माजी की, बड़ी खूबसूरत यादें इन्होंने हमें शेयर की हमारे साथ कि वो ज़माना था कि जो एक्टर और एक्ट्रेसेस होती थी उनका जो एक नाम होता था, जो पहचान होता था, वो जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों के दिलों में बसते थे वो करेक्टर। जी बिल्कुल, वो दौर ऐसा था कि वो लगारी से बैठे हुए हैं, वो बड़ी ड्रामे की रिहर्सल करते थे, पहले बताते थे और वो जो किरदार होते थे लोग इन्वॉल्व हो जाते थे, वो समझते थे कि ये जैसे अभी उन्होंने बताया कि वो जब इनका वो सीन आया मर्डर हो गया तो लोग हार्ट अटैक हो गया, इस तरह लोग इन्वॉल्व होते थे। दूसरी बात है उस वक्त एक होता था पीटीवी जब नया नया आया, लोग पहले ड्रामे देखते थे थिएटर पे, उसके बाद फिर रेडियो पे सुनते थे, जब टीवी आया उन्होंने देखना शुरू किया सामने और वो फिर उस पर इन्वॉल्व हो जाते थे। वो होटल जो होते थे, होटलों में लोग चाय पीने के लिए आधा आधा घंटा 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 ड्रामा लगने से पहले बैठ जाते थे, एक चाय ले आए, दो ले आए और ले आए ताकि हमें जगह मिल जाए आगे ड्रामा देख सके। लोग सड़कें वो सुनसान होती थी, खड़े होते थे लोग उन देख रहे होते थे। ये सिलसिला जो है ना ये चलता रहा है सिर्फ उनकी उन लोगों की वजह से, जैसे इन्होंने बताया सूफी तबस्सम, इस तरह के लोग उस वक्त होते थे, बड़े लोग बड़े राइटर, तो उनकी वजह से ये ड्रामे भी बड़े अच्छे होते थे। साहब ने कहा कि जब उस जमाने में टीवी किसी किसी घर में होता था और पूरा मोहल्ला वो एक घर में इकट्ठा होता था या फिर जिस दुकान पे होता था, गलियां सड़कें सुनसान होके उस दुकान में रश हो जाता था। आपने कभी जाके देखा कि मैं भी जरा जाऊं उन लोगों में खड़ा होके ड्रामा देखूं, कभी एक्सपीरियंस किया ऐसा कोई? जाके कहा, वहाँ तो टीवी नहीं, हमारे उस जमाने में तो टेलीविजन पे रिकॉर्डिंग होती थी, ये रिकॉर्डिंग जैसे अब हो रही है और ये बाद में भी चल सकता है, उन दिनों टेप्स ही नहीं होते थे शुरू में, तो उसी वक्त लाइव करते थे, हमें अपना ड्रामा देखने का मौका नहीं मिलता था। ये तो बहुत देर में फिर टेप आए, फिर रिकॉर्डिंग शुरू हुई और एक एक हम ड्रामा कर लेते हैं, रिहर्सल करते हैं, रीटेक भी कर लेते हैं, उस वक्त तो रीटेक भी नहीं होती। अच्छा, बहुत टफ आपने टाइम देखा कि रीटेक्स नहीं होती थी, कुछ भी नहीं, लाइव जा रहा है, जो आप करेंगे लाइव जाएगा, गलती होगी वो भी होती आप पकड़े जाएंगे। हाँ, ऐसी ऐसी गलती होती थी पता ही नहीं होता था। एक दफा हमारे दोस्त खुर्शीद शौकत साहब थे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे खुर्शीद थानवी, तो वो उनका ना हमारा मुझे याद है लाइव ड्रामा हो रहा था, तो उसमें एंड में उनको ना गोली लगती है, वो मर जाते, तो एंड हो जाते वहाँ ड्रामा, तो उनको जब गोली लगी वो मर गए तो गिर पड़े, तो प्रोड्यूसर ने बजाय बंद करने के उन्होंने उसी के ऊपर ना स्क्रोल चलाना शुरू कर दिया, टाइटल्स आने लग गए और उनकी तस्वीर है, वो मरे पड़े हैं और टाइटल आने, अब उनके ख्याल में तो ड्रामा ख़त्म हो गया था, वो उठे वो गोली के, उन्होंने कहा ड्रामा ख़त्म हो गया, सब देख रहे थे, सब ने देखा, वो उठे उनका अभी तो चल रहा है, अभी तो चल रहा है, वो फिर मर गए।